हेलो, वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ रियल एस्टेट हिंदी पॉडकास्ट। सो आज के इस वाले पॉडकास्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं सक्सेस पिरामिड। एक सक्सेस होने रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर आपको सक्सेसफुल होना है तो उसका एक पिरामिड है, जिसमें फर्स्ट है बॉटम पे टाइम, उसके बाद डाटा, उसके बाद हैबिट, उसके ऊपर स्किल, उसके ऊपर माइंडसेट। तो टाइम किससे बात करते हैं कि टाइम, आजकल लोगों के पास टाइम तो बहुत है लेकिन वो प्रोडक्टिव रहने के लिए ज़्यादातर टाइम यूज़ नहीं करते। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और आप कुछ करना चाहते हो तो आपको अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना होगा, कुछ नई बुक्स पढ़ के, पॉडकास्ट सुन के, कोई यूट्यूब की इंटरव्यू देख के। तो आपको यूट्यूब में सारा कुछ कॉन्टेंट देखना है जिससे मदद से आपका जो कुछ भी टाइम है वो यूटिलाइज हो सके और आप उसमें ग्रो कर सके। दूसरा है डाटा। आपको पता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन आपको ये पता नहीं, आपको वो मालूम नहीं कि अब कब करना है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि हमारी लाइफ में एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट के अंदर हमने बिजनेस खड़ा करना है, तो आपको वो पता है। आपको पता भी है कि आप कैसे करने वाले हो, तो आपको लास्ट स्टेप वही लेना है कि मैं कब से स्टार्ट करूँगा। क्या उसके लिए टाइम आज इम्पोर्टेंट, आज मैं कर सकता हूँ स्टार्ट या फिर एक साल बाद? तो आपको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना होगा क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि मुझे कब कैसे करना है और क्या करना है। तीसरा है हैबिट। हैबिट मतलब कि हम अपने जो डेली रूटीन के अंदर हम हमारी लाइफ में कुछ हमको इम्प्रूव करने के लिए जो कुछ भी चीज़ें करते हैं, जैसे कि बुक्स पढ़ना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, लोगों से बातें करना, कुछ नई लर्निंग सीखना, कोई नई इम्पोर्टेंट स्किल सीखना, तो वो हो गई हमारी हैबिट्स जो हम डेली के लिए हमारे लाइफ में कुछ ऐड करते हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना चाहिए, जो हमारी नेगेटिव हैबिट्स है उसे रिमूव करना चाहिए और जो पॉजिटिव हैबिट्स है जैसे कि बुक्स पढ़ना और सारा कुछ हमें हमारे लाइफ में लाना चाहिए। उसके ऊपर है स्किल। जब भी हम रियल एस्टेट की बात किए करते हैं तो उसमें हमको कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, लोगों को समझना, उसकी बातों को समझना, उसके हिसाब से उसको कुछ इम्पोर्टेंट स्किल मतलब कि प्रोवाइड करना, और नेगोशिएशन स्किल हो गई, तो वो सारी कुछ रियल एस्टेट के अंदर स्किल इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप रियल एस्टेट के अंदर मान लो कि मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपको फेसबुक एड्स और गूगल एड्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से उसके अंदर स्किल में आप अपनी जो लीड्स जनरेट करते हो तो आपको क्वालिटी लीड्स भी मिल सकती है। तो आपको अपनी स्किल के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। फेसबुक एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, फनल्स हो गई, वेबसाइट डिज़ाइन हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, तो ये सारी कुछ स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर आने के लिए। उसके बाद लास्ट में है माइंडसेट। अगर आप खुद नहीं मानोगे कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप मानोगे कि ये मैं कर सकता हूँ तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कर सकते हो रियल एस्टेट के बिज़नेस के अंदर। तो आपको अपना माइंडसेट को उस तरीके से डेवलप करना है जिस वजह से आप ऑलरेडी आपके पास वो सारा कुछ हो गया है, ऐसे आपको अपना माइंडसेट को क्रिएट करना है। सो बस आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी हैक के अंदर। थैंक यू सो मच।